गर्मी का मौसम है और हम ये देखें ट्यूबवेल में नहा रहे हैं। आज आपको बहुत प्रेशर है इसका, कभी आप इसके आगे आए तो इसके आगे ना आना, वो आपको खा के आगे मारेगा। अच्छा, आपको अंजीर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि अंजीर किस तरह लगाई जाती है और अंजीर का पौधा कितने पॉट के अंदर फल दे सकता है कि नहीं दे सकता। चले आपको अंजीर के बारे में कुछ बताते हैं। नाज़रीन, इस टाइम हम अंजीर के पौधों के पास आ गए। ये देखे अहमद भाई, करीब करें। आप अंजीर के पौधे को उसके पत्ते की बनावट की वजह से पहचान सकते हैं। माशाल्लाह, इतना खूबसूरत इसकी पत्ते की बनावट है, आप इसे पहचान सकते हैं। अंजीर का पौधा, आपको इन्फॉर्मेशन बताऊँ कि अंजीर का पौधा पॉट के अंदर, गमले के अंदर ही फल दे सकता है, लेकिन कब देगा? जब आप किसी कलम से उगाएंगे इस पौधे को। अगर बीज से उगाएंगे, पहले वो पौधा जवान होगा, उसके बाद वो फल देगा। ये देखें माशाल्लाह, ये जितने भी पौधे हैं ना, अहमद भाई करीब करें, ये जितने ही पौधे हैं ना, ये देखें, ये इन्होंने ये कलम से ही ग्रो किए हैं, ये कलम से ग्रो कर सकते हैं। और आप इस पौधे का फल छोटे गमले में भी ले सकते हैं। आए आपको कलम के बारे में बताते हैं। कुछ लोग पौधों की फील्ड में नहीं होंगे, जिनको कलम के बारे में नहीं पता होगा, मैं उनको कलम के बारे में बताता हूँ। कलम हम जो बड़ा दरख्त होता है उस पे से कुछ शाखें उतारते हैं, उनकी कटिंग करते हैं और उनको हम लगा देते हैं मिट्टी में, और उसको कलम कहते हैं। और उस कलम से ही जो पौधा बनेगा वो फल जल्दी दे देगा। अगर आप घर में इसके बीज लगाएंगे, पौधा तो लग जाएगा लेकिन वो फल एक टाइम पे आगे देगा। अगर इस तरीके से आप अंजीर के पौधे को कलम से लगाएंगे तो वो फल जल्दी दे देगा। ये देखें, अब ये गमले में ही, ये देखें अहमद भाई, ये गमले में भी, गमले में ही इसका फल माशाल्लाह निकला हुआ है। ये अंजीर है, ये देखें, वजह ये है कि ये कलम से बना हुआ है, इसलिए इसने जल्द गमले में ही फल दे दिया है। और आप इसका फल ये देखें, ये 12 इंच का गमला लगा हुआ है, इसमें ही फल माशाल्लाह इसने दिया हुआ है। ये देखें, इधर देखें, ये देखें, इसने 12 इंच के गमले में ही फल दिया हुआ है। ये देखें, ज़बरदस्त। ये अंजीर का पौधा टोटली आउटडोर पौधा है, इसको गर्मी की ज़्यादा, इसकी वाटर की जो कैपेसिटी है ना, वो पूरी होनी चाहिए। वाटर का स्टॉक इसको पूरा मिले तो ये सख्त गर्मी भी चढ़ जाता है। कोई भी पौधा हो, अगर उसको वाटर की, उसके जितनी भी उस वाटर की उसको जितनी ज़रूरत है, अगर उसको उसकी वाटर की ज़रूरत पूरी होती रहे, जितने भी आउटडोर पौधे हैं इस मौसम में चलने वाले, वो चलते रहेंगे। अंजीर को माशाल्लाह ये देखें, हम घर में लगा सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त फल है, बहुत इसका जायका बहुत ही मीठा है, और सबसे बड़ी बात, ये जन्नत का फल है अंजीर। और सबसे मज़ेदार बात आपको बताऊं, जो आपके पौधे के ऊपर अंजीर लगेगी वो ताज़ी अंजीर होगी। आपको जो बाज़ार से मिलती है वो तो ड्राई अंजीर होती है, जो अपना परोई हुई होती है उन्होंने अपना डोरी के अंदर। ये ताज़ा अंजीर है जो आप खाएंगे, आपको फिर मैं तो माशाल्लाह रोज़ खाता हूँ, आप इसको रोज़ खा दो, और इसका जायका इतना ज़बरदस्त है ना, आप एक दफ़ा खा लें तो आप कहेंगे कि मैं अंजीर का पौधा घर में अपने टेरेस पे लगाऊँ ही लगाऊँ। एक दफ़ा आप इस फल को खा के देख लें, आपका दिल करेगा मैं अंजीर को अपने घर में लाजमी लगाऊं। और आज उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। वाले पौधे या फूल वाले पौधे के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी लास्ट वीडियो की भी बहुत अच्छा कमबैक आया है,
उम्मीद है आप इस वीडियो को भी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन को लाजमी दबाएंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत अच्छी है।